भोले बाबा को शाम को जल चढ़ा सकते हैं या जल नहीं चढ़ा सकते? देखिए, भोले बाबा को आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सुबह जल चढ़ाएंगे या शाम को जल। जब शिवरात्रि होती है ना, शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। ठीक ऐसे ही सावन के महीने में 4 पहर की पूजा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप तो सुबह ही जल चढ़ाएं। आप प्रदोष काल में तो पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। शाम को अगर कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित, कोई भी मंदिर का पुजारी आपसे ये कह रहा है कि शाम को जल नहीं चढ़ता, तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि प्रदोष काल में की गई पूजा सावन के महीने में अखंड होती है। तो प्रदोष काल शाम को ही होता है और प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आज के दिन एक काम अवश्य कर लीजिएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक मिट्टी लीजिए, चाहे आप कोई सी भी मिट्टी ले सकते हो, आप अपने गमले से भी मिट्टी ले सकते हो। अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तब भी ये शिवलिंग आप बना सकते हो। गमले से मिट्टी ले सकते हो, चिकनी मिट्टी ले सकते हो, काली मिट्टी ले सकते हो, सफेद मिट्टी ले सकते हो, मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो। इनमें से आप कुछ भी, कोई भी मिट्टी ले लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसका आप शिवलिंग बना लीजिए। ठीक है, कभी भी बना सकते हो, व्रत रख लिया है उसके बाद भी बना सकते हो, अभी भी बना सकते हो, मेरी वीडियो खत्म होने के बाद भी जाके बना सकते हो। उसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। एक शिवलिंग बनाइए उस मिट्टी से, छोटा सा, उस पे आप हर हल्का सा 2-3 बूंद दूध डालिए, हल्का सा 2-3 बूंद शहद डालिए, जल डालिए उसमें, आप दूध डालिए उसमें आप, और उसकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। बेलपत्र अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। बेलपत्र हमेशा याद रखिए, उल्टे करके चढ़ते हैं। कौन सा? उल्टा करके बेलपत्र चढ़ता है। और जो 3 कोण वाले बेलपत्र होते हैं वो अपने आप में विशेष होते हैं, जिनकी 3 पत्तियां होती हैं, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम वही माने जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि शिव महापुराण में ये वर्णन आया है कि जो बेलपत्र हैं वो 3 शक्तियों से विराजमान आए हैं। ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ शिव महापुराण के अनुसार, कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति हुई है वो 3 शक्तियों से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात तीनों ने अपनी शक्तियों से बेलपत्र को उगाया है। और बेलपत्र भगवान शिव को परिप्रिय है, लेकिन बेलपत्र की एक बात है कि सारी चीजें भगवान शिव को सीधा चढ़ती हैं, लेकिन भगवान शिव को जो बेलपत्र है वो उल्टा ही चढ़ता है, सीधा नहीं चढ़ता। भगवान पितृ को, भगवान शिव को जो बेलपत्र है वो उल्टा ही चढ़ता है। इस बात का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो इस बात का मेक श्योर ध्यान रखिए। एक पार्थिव शिवलिंग आप भी आप घर पे बना लीजिए, गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसे छान लीजिए और उसको घर पे बना लीजिए। उसकी पूजा अर्चना वंदना करने के बाद शाम की भी उसकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए, दूध वूध चढ़ाइए और शाम को एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखिए और उस शिवलिंग को दहा दीजिए, जिसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का आपने अभिषेक कर दिया। अगर आप सावन के, सावन ये कर लो बहुत ज्यादा अच्छा है, पूरा सावन के महीने कर लो तो बहुत अच्छा अच्छा है। सावन के महीने नहीं कर सकते हो तो फिर आप एकादशी कब है दीदी? 24 तारीख को है या 25 को? बेटा मैं अभी देखूंगी। 25 को व्रत है सोमवार का, एकादशी व्रत का पारायण कैसे करते हैं इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं पंचांग देखूंगी कि पंचांग के अनुसार मैं बताती हूँ आपको कि व्रत कब रखना चाहिए। मैं अपने मन से नहीं बताती कि 24 तारीख को है या 25 तारीख को है, मैं पूरा पंचांग देखकर ही बताती हूँ। मैं 100% जब मैं श्योर हो जाती हूँ कि इस टाइम पे व्रत रखा जाएगा, मैं उसी टाइम पे आप लोगों को व्रत बताती हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बताती हूँ। तो उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, जो बात मैं कंटिन्यू कर रही थी। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। सावन में बेल को गुड़ की क्या लिखा है ये, और सावन के महीने में अगर आप समी का पौधा लगाते हैं, बेलपत्र का पौधा लगाते हैं, सावन के महीने में पीपल का पौधा लगाते हैं, नीम का पौधा लगाते हैं, ये पौधे घर पे नहीं लगना, ठीक है ना? पहले एक बात क्लियर कर दूं, समी का पौधा है तो बालकनी पे लगना है, ठीक है? केले का पौधा है तो बालकनी में, केला रहे सदा अकेला। केले का पौधा शुभ होता है, घर पे लगाना चाहिए, लेकिन बालकनी में, छत अंदर नहीं आनी चाहिए, छत नीचे नहीं आनी। और केले का पौधा हमेशा इंडिविजुअल लगता है। तो और ये जो पीपल का पौधा है और नीम का पौधा है, ये आप सावन के महीने में मंदिर, किसी तीर्थ स्थल पे जाके लगाइए तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है? आंटी से मेरी थाली में चंदन लेके शिव जी को लगाया था, वो मेरे व्रत सफल होगा। कोई नहीं, आपकी थाली से अगर चंदन लेकर शिव जी को लगाया है तो आंटी, तो आपका, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। किसी एक ने मुझसे पूछा है कि आपकी थाली से चंदन लेकर किसी आंटी ने लगाया है। मैं क्वेश्चन आंसर के लिए अपना ये वाला फोन देख लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर अगर मैं देखूंगी तो मुझे इजी रहेगा, ठीक है ना? उसमें तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ये वाला फोन यूज कर लेती हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर मैं इसमें ले लेती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इजी रहेगा।